अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे एसएससी पार्ट टू की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेटे हमारा रिवाइज्ड एंड कंसाइज सेशन है। इससे पहले डिटेल लेक्चर में प्रोफेसर तनवीर साहब बड़े अच्छे तरीके से आपको दे चुके हुए हैं चैनल के अंदर, तो उन्हीं लेक्चर्स को मैंने थोड़ा सा क्या किया, कंसाइज किया है और प्रिसाइज वे में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिएगा, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा। लेट्स स्टार्ट हियर। जी, चैप्टर 7 है जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी, 200 साल पहले की बात है कि कंपाउंड्स को दो क्लासेस में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक का नाम था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक का नाम था ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक का नाम था इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन द ओरिजिन, ये ओरिजिन की बुनियाद पर बनाई गई थी, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, लाइफ, ये ऑर्गेनो से टर्म डिराइव हुआ है। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जो हमें लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन होते हैं, ऑल दोज कंपाउंड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। And all those compound which we obtain from the non-living things or minerals, they are called inorganic compounds. ठीक है, अब organic compounds जो हमें living things से मिलते हैं, living things से हमें मिलता है protein, carbohydrates, urea, lipids, nucleic acids और बहुत से enzymes, ये सभी compounds हमें living things से हासिल होते हैं, तो इनका नाम क्या रख दिया, they are organic compound। और वो कंपाउंड लाइक मेटेलिक कार्बोनेट्स, मेटेलिक बाइकार्बोनेट्स और वो मिनरल्स जो ज़ेरे ज़मीन से हमें हासिल होते हैं, वो सारे शामिल कर लिए गए किसके अंदर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो दिस डेफिनेशन वाज बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, दोज कंपाउंड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दोज कंपाउंड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द इन मिनरल्स और द नॉन लिविंग थिंग दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो थ्योरी है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हमें सिर्फ लिविंग थिंग से हासिल हो सकते हैं, इसके ऊपर रिसर्च की डिटेल में जैकब बर्जीलियस ने रिसर्च की। उसने देखा ये वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनको तैयार करने के लिए एक मखसूस किस्म की फोर्स चाहिए होती है। उस फोर्स को, इस मिस्टीरियस फोर्स को उसने नाम दिया वाइटल फोर्स का, जो इंसान बाहर लैब में प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ सिर्फ इंसान खुद दे सकता है अपनी बॉडी के अंदर, जानवर अपनी बॉडी के अंदर, प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर, ठीक होगी बात ये। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय द लिविंग थिंग्स विद इन देम, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब बिकॉज इट रिक्वायर्स सम मिस्टीरियस फोर्स which is called as a vital force. It cannot be given by the human being in the lab. ठीक होगी बात ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए एक खास किस्म की फोर्स दरकार होती है, उस खास किस्म की फोर्स को वाइटल फोर्स कहते हैं, और इंसान बाहर लैब में वो फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जानदार बना सकता है, वो भी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, बाहर नहीं बना सकता। अच्छा, ये कंसेप्ट जब डेवलप हुआ, तो दिस कंसेप्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरी विच इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, इसी को वाइटलिज्म भी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ जानदार बना सकते हैं, और वो भी अपनी बॉडी के अंदर। जानदार या इंसान इसको लैब में बाहर तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, ठीक हो की बात। और ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ जानदार प्रोवाइड कर सकता है कुदरत के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग्स, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब बिकॉज इट रिक्वायर्स सम वाइटल फोर्स विच कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। दिस इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की जे बर्जीलियस ने, उसके बाद वो साइंटिस्ट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की तगदों में लगे रहे थे, वो रुक गए। उन्हें कहे, बाबा जी ने कह दिया जे बर्जीलियस साहब ने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं हो सकते लैब में खुद से, तो नहीं हो सकते, सब ने छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर एक साइंटिस्ट आए 1828 के अंदर, फ्रेडरिक वुलर।
फ्रेडरिक वुलर जो था ही वॉज टू मच इंटरेस्टेड टू स्टडी द मेटालिक और नॉन मेटालिक साइनेट्स. वो क्या कर रहा है कि उसने एक दफ़ा अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया. अब अमोनियम साइनेट उसने कैसे तैयार किया, बाय द रिएक्शन ऑफ पोटाशियम साइनेट विद द अमोनियम क्लोराइड. जब उसने पोटाशियम साइनेट को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो गया और साथ में KCl. ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये भी इनऑर्गेनिक है और ये भी इनऑर्गेनिक है. जब अमोनियम साइनेट हासिल हुआ तो ही वॉज ड्राइंग द अमोनियम साइनेट टू गेट इट्स क्रिस्टल. वो देखता क्या है कि अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ड्राई कर रहा है, तो वो ड्राई करते हुए अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि यूरिया है. जो इससे पहले ख्याल किया जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ इट इज़ यूजुअली फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स के सुसु में पाया जाता है यूरिया जो है. तो जब उसने देखा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, तो ही वॉज एबल टू से दैट ये तो बर्जीलिया साहब तो चूट मार रहे थे. बर्जीलिया साहब ने तो कहा था इसको कोई बनाने के लिए कोई वाइटल फोर्स चाहिए जो इंसान या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ही कुदरत के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है. इसके लिए तो कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए, इसके लिए कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए. अब जब इसके लिए कोई वाइटल फोर्स नहीं चाहिए तो इसके बाद इसने रिजेक्ट कर दिया किसी वाइटल फोर्स थ्योरी को. उसने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी जो है इसमें कोई रियलिटी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए कोई वाइटल फोर्स रिक्वायर नहीं है. इसके बाद इतनी ज़्यादा तरक्की हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की इंडस्ट्री में, इतनी ज़्यादा तरक्की हुई कि मत पूछें. ठीक है, ऑन एवरेज मैं पढ़ रहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दिन के अंदर कम अज कम नए रोज़ाना 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं दुनिया में किसी ना किसी जगह पर, यहाँ डिस्कवर हो जाते हैं, 2 तैयार हो चुके हुए हैं. और अभी मैं निकला हुआ हूँ सुबह का अपने घर लाहौर से, और अभी मैं अपने कैमरा मैन से पूछूंगा टाइम क्या हो गया तकरीबन सर. 1:07. अच्छा जी, 1:07 हो चुके हैं और मैं 7 का निकला हुआ, लगभग मुझे 6 यहाँ पर आए हुए हो गए हैं, 6 तो करीब करीब एक कंपाउंड किस दुनिया के किसी कोने में नया बन भी चुका हुआ है. तो इतनी तेज़ी से ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंडस्ट्री में क्या आ रहा है, फ्लो आ रहा है. उसके बाद जो है, उसके बाद आज जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल हो गया था, रिजेक्शन होगी वाइटल फोर्स थ्योरी की, सो देयर वाज़ अ नीड टू रीडिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर वाज़ अ नीड टू रीडिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रीडिफाइन करने की क्या थी ज़रूरत पेश आई. उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिटेल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, इसमें कार्बन सबसे मेजर एलिमेंट है, कार्बन सबसे मेजर एलिमेंट है. और सिंपली पहले कह दिया गया स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेकिन बाद में देखा गया ये ज़रूरी नहीं है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी ज़रूरी है, फिर इसके अलावा इसके अंदर सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है. तो देयर वाज़ अ नीड टू रीडिफाइन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को रीडिफाइन करने की फिर से ज़रूरत पेश आ गई. फिर डिटेल एनालिसिस के बाद पता चला कि सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमल हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन. सारे हाइड्रोकार्बन दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या करती हैं, मैच करती. तो पहली बात तो कह दी गई कि हाइड्रोकार्बन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है. फिर उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे तो देवर सीम दैट दे आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन को देखा गया, वो भी क्या निकले, ऑर्गेनिक इन नेचर निकले. इस तरह फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटे कह दिया गया दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली और दे आर डेरिवेटिव्स. ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के मुमकिन हो सकते हैं या उनके फिर आगे डेरिवेटिव्स. ठीक है, इनको ऐसे भी बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर स्टडी इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ओवरऑल वी कैन डिफाइन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन मॉडर्न वे, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब मतलब देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में मेरे पास एक है मीथेन, लेकिन आपको पता है मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें
तो ये आ जाएगा CH3Cl, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो मीथेन तो हाइड्रोकार्बन है, ये तो है ही ऑर्गेनिक, इसका डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक है। अब मीथेन की एक हाइड्रोजन को अगर मैं OH से रिप्लेस कर दूं, ये मिथाइल अल्कोहल, ये क्या आ गया हमारे पास, अब ये भी इसका डेरिवेटिव है, तो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक इन नेचर होगा। क्लियर होगी बात, ये हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक है और उनके डेरिवेटिव्स भी क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कार्बन मौजूद हो सकता है, ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है या हाइड्रोजन मौजूद हो सकते हैं, बट उनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, दे आर नॉट द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनमें कौन से आ सकते हैं, सारे मेटैलिक कार्बोनेट्स आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स आ सकते हैं, सारे मेटैलिक साइनेट आ सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इन सब के अंदर कार्बन मौजूद है और कईयों के अंदर तो हाइड्रोजन भी मौजूद है, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर स्टडीज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक होगी बात। आपको मजे की बात बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में ज़्यादा है। अब तक पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट जो हैं वो नाउन है, अब तक उनमें से सिर्फ एक एलिमेंट किसका है, कार्बन का, सिर्फ एक एलिमेंट कार्बन का। अगर कार्बन का एक एलिमेंट निकाल लें तो बाकी बचे 117 एलिमेंट। 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स दुनिया जहान से इकट्ठे कर लिए जाएं और अकेले कार्बन के कंपाउंड इकट्ठे कर लिए जाएं तो तब भी कार्बन के कंपाउंड ज्यादा हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इन नेचर है ज्यादातर। ठीक है, इतने ज्यादा हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स की अलहदा केमिस्ट्री बनाई हुई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 117 एलिमेंट के कंपाउंड की एक अलहदा केमिस्ट्री है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता चल गया, दिस इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और कुछ एक्सेप्शन केस भी डिस्कस कर लिए हमने। आगे बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ना कुछ फीचर्स हैं, उसमें फीचर नंबर वन क्या है, पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की पेकुलियर नेचर। बेटे कार्बन की पेकुलियर नेचर क्या है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, कार्बन के कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा क्यों है, व्हाई कार्बन हैज अ लार्ज वैरायटी एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज्यादा क्यों है, लेट्स सी हियर। बट कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन कर ना एक लंबी चेन बना सकते हैं। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, दिस कैटिनेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लार्ज नंबर एंड लार्ज वराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन, एंड कैटिनेशन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लार्ज वराइटी एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट कार्बन इज ऑल्सो एबल टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड विद द कार्बन, डबल बॉन्ड विद द कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड विद द कार्बन। ये कार्बन डबल भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, मल्टीपल बॉन्ड विद द नाइट्रोजन। ये सल्फर के साथ भी क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। क्लियर होगी बात, स्टेबल बॉन्ड जी। ये हमारे पास आ गई पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन, पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन जी। बेटे दूसरी इसकी फीचर है जी हमारे पास, नॉन आयनिक रिएक्शन। अब आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे आर मोलेकुलर इन नेचर। अगर उनके मॉलिक्यूल है तो आयनिक कंपाउंड तो नहीं है, तो ये आयनिक रिएक्शन तो नहीं ना देंगे। ये कौन से रिएक्शन देते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो एज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली मोलेकुलर इन नेचर, सो वी से दैट दे डोंट गिव द आयनिक रिएक्शन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड तो नहीं है। ठीक होगी बात ये। फिर उसके बाद देखिएगा बेटे, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और बड़ी ज़बरदस्त फीचर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मखसूस फैमिलीज हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज, जिनको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। मसलन अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन एक होमोलोगस सीरीज है बाकायदा तौर पर, और अल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है। अब होमोलोगस सीरीज में क्या होता है,
बट ये होमोलोगस सीरीज में एक जैसी प्रॉपर्टी वाले मेंबर्स तरतीब वार लिखे होते हैं, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज के अंदर सैकड़ों कंपाउंड आ जाते हैं, एक सीरीज के अंदर, एक होमोलोगस सीरीज के अंदर सैकड़ों कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं चाहे तो इन सैकड़ों कंपाउंड का अलहदा अलहदा मुतालिया कर लूँ, या एक होमोलोगस सीरीज की जनरल प्रॉपर्टी को स्टडी कर लूँ। जब मैं एक होमोलोगस सीरीज की जनरल प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा, स्टडी करूँगा, उस सैकड़ों कंपाउंड का मुतालिया हो जाएगा। इस तरह हमारा स्टडी टाइम रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम मिलियन कंपाउंड टू द फ्यू होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज की एक एग्जांपल देते हैं। मसलन अल्केन का पहला मेंबर है मीथेन, दूसरा मेंबर है इथेन, तीसरा मेंबर है C3H8 प्रोपेन, चौथा मेंबर है C4H10, ठीक है। और इसी तरह एक अल्कोहल की भी मिसाल लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल पहला मेंबर, इथाइल अल्कोहल दूसरा मेंबर, प्रोपाइल अल्कोहल तीसरा मेंबर और ब्यूटाइल अल्कोहल। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर ये इट इज़ अ सीरीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सच कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड एनी टू कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ द सीरीज हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2, हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2। अब कोई से भी दो मेंबर ले लें, चले ये और ये ले लेते हैं, CH4 में अगर CH2 ऐड कर दें तो क्या बनेगा पुत्र? CH2 C2H6 बन गए, अगला मेंबर बन गया। C2H6 में CH2 ऐड कर दें तो C3H8। यानी कोई से भी दो मेंबर लेने, उसके कंजेकेटिव दो मेंबर्स का फर्क कितने का आएगा? CH2 का। इधर से भी देखें, सब में फंक्शन ग्रुप क्या लगा हुआ है? सेम हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहलिक। तो कोई से भी दो मेंबर ले लें, C2H5OH में CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C3H7। अरे वाह, C3H7OH में CH2 ऐड कर दें तो बन जाएगा C4H9OH। ठीक होगी बात ये। तो इसी तरह अल्कीन का भी ले सकते हैं हम, C2H4 C3H6 C4H8। कोई से भी दो मेंबर इसके भी ले लो, C3H6 में CH2 ऐड कर दें C4H8, C3H6 में C2H4 में CH2 ऐड कर दें C3H6। अब देख सकते हैं। सो होमोलोगस सीरीज वाला क्या होती है? इट इज अ सीरीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सच कंपाउंड्स विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी टू कंजेकटिव मेंबर ऑफ दिस सीरीज हैव अ डिफरेंस ऑफ CH2। क्लियर होगी बात ये। इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जहाँ हमने सैकड़ों कंपाउंड का मतालिया करना होता है, वहाँ पर हम फ्यू होमोलोगस सीरीज का मतालिया कर कर अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट कैन बी एग्जाम्पलीफाइड बाय द होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ होमोलोगस सीरीज आवर स्टडी हैज़ बीन रिड्यूस फ्राम मिलियंस ऑफ अ कंपाउंड टू द फ्यू होमोलोगस सीरीज। ये भी एक प्रॉपर्टी है। आगे आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। मसलन स्टार्च है, मसलन स्टार्च का एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 और N। एन यहाँ पर फ्यू थाउजेंड से लेकर फ्यू मिलियंस तक हो सकते हैं, यानी ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा फार्मूला है स्टार्च का। इसी तरह प्रोटीन से होते हैं, उनके फार्मूला देखें, उनका भी मलेक्युलर मास कम से कम 10,000 होता है या 10,000 से ज़्यादा, यानी उसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यानी मेजोरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे आर टू मच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। काफ़ी मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, इसकी एग्जाम्पल हम स्टार से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए आइसोमरिज्म, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? द फिनोमिना इन विच डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे मे शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म। उसके बाद आ जाए सॉल्युबिलिटी, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर नॉन पोलर हैं, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन,
ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें OH ग्रुप की मौजूदगी बिना पर, NH ग्रुप की मौजूदगी के बिना पर, कार्बोक्सल ग्रुप की मौजूदगी बिना पर पोलैरिटी क्रिएट हुई होती है, पोलैरिटी क्रिएट हुई होती है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। सो वो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन ईथर। उसके बाद आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन की स्पीड होती है या रेट होता है वो बड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड रिएक्शन। वजह, आयनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं ना बेटे, ये सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। जब वो सोल्यूशन फॉर्म में होंगे तो उनके आयनिक बॉन्ड ऑलरेडी क्या होंगे, टूटे होंगे। लुक एट हियर, ये मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है सोल्यूशन फॉर्म में, तो ऑफकोर्स इसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन आपस से जुदा होंगे। ये सोडियम क्लोराइड है, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आपस में क्या होंगे, जुदा होंगे। जब इनके सोल्यूशन को मैं रिएक्ट करवाऊंगा, फौरन से पहले सिल्वर और सीएल मिलकर वाइट पीपीटी बना देंगे AgCl के, और साथ में सोडियम आयन वैसे ही आ जाएगा, नाइट्रेट आयन वैसे ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसी तरह ये था आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन। अब देखें ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन में मैंने इथीन में हाइड्रोजन ऐड किया निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो आपको पता है पाई बॉन्ड टूटेगा, AKH इधर लग जाएगा, AKH इधर, ये इथेन बन जाएगा। ये क्या बन गया आपके पास, इथेन बन गया। अब ये जो इथेन बन गया आपके पास, अब देख सकते हैं इसमें रिएक्टर में पहले पुराने बॉन्ड टूटने हैं, फिर जाके इधर नए बॉन्ड बनने हैं। दे विल टेक अ टाइम, दे विल टेक अ टाइम। जबकि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन में ओल्डर बॉन्ड्स आर ऑलरेडी ब्रोकन डाउन, जस्ट न्यू बॉन्ड हैज टू एस्टेब्लिश, हैज टू डेवलप। सो आयनिक कंपाउंड रिएक्शन विल टेक्स प्लेस विद इन नो टाइम, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन का रेट क्या होगा, काफ़ी स्लो होगा। अगर बढ़िया आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्पोर्टेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, बट ये बहुत ही मुश्किल है कि हम ये बात ना कहें कि जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बगैर गुजारा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर टू मच इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि उसमें जो लाइफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन विच आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिक इन नेचर, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा लगता है वी हैव बिकम डिपेंडेंट अपॉन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसा लगता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के मकम्मल तौर पर इन्हसार कर रहे हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, अपनी मेडिसिन के लिए, अपनी क्लॉथिंग के लिए। अब मेजोरिटी मेडिसिन जो होती हैं वो सारी क्या होती है, ऑर्गेनिक नेचर होती है मेजोरिटी। ठीक है, फूड हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स इनरिच्ड होते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। विटामिन सी, ये क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है ना, इसी तरह क्लॉथ जो है हमारे पास, वूल है, सिल्क है, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया बहुत सी इंडस्ट्रीज में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो भी यूज एज ए प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड विच आर यूज टू प्रिजर्व द फूड। ये ऐसे कंपाउंड है जो खाने को क्या करते हैं, महफूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव सारे क्या है, मेजोरिटी ऑर्गेनिक इन नेचर है। ठीक है, पॉलिश, शू पॉलिश जो होती है, वार्निश, फर्नीचर पॉलिश जो होती है, ये क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तारी मेडिसिन इंडस्ट्री, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो ऐसा लग रहा है, बल्कि श्योर वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, लीजिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा आ जाता है क्वैकिंग। क्वैकिंग किसे कहते हैं, क्वैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस भी इसे कहा जाता है। अब क्वैकिंग का लफ्जी मतलब भला क्या होता है, हायर हाइड्रोकार्बन का लोअर हाइड्रोकार्बन में टूटना। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन वो जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, लोअर हाइड्रोकार्बन वो जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद कम होती है। सो सिंपली हम कहते हैं क्रैकिंग को ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड क्रैकिंग। मोर अप्रोप्रिएटली बोलना है तो ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग। अब ऐसा देखिएगा मेरे पास C16A34 है, हेक्साडिकेन। बेटे जब इसे टेम्परेचर मिलता है 700 तो हेक्साडिकेन C16A34 टूट जाता है किसके अंदर, हेप्टेन के अंदर, दिस इज हेप्टेन।
तीन मॉलिक्यूल इथीन के और एक मॉलिक्यूल परवीन का, बोले तो प्रोपीन। ठीक है, ये हेप्टेन, इथीन और परवीन, सॉरी प्रोपीन। तो ये हमारे पास हेक्साडेकेन है जो कि टूट रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये हायर हाइड्रोकार्बन है और ये सारे क्या हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन है। दिस इज क्रैकिंग, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, या ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू द लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रैकिंग। अब क्रैकिंग की तीन टाइप हमने लिखी है यहाँ पर, अगर आपको नजर आ रहा है, थर्मल क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है और स्टीम क्रैकिंग है। लेट्स सी थर्मल क्रैकिंग क्या है। अच्छा, पहला पार्ट इनका तीनों का सेम है, यानी इसमें भी क्या होगा, दिस इज अ ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, ये भी क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये है ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट सफिशियंटली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सफिशियंटली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट। वो सूटेबल कैटालिस्ट इसमें कौन सा है, ज्यादातर सिलिका और एलुमिना का मिक्सचर एट 280 प्रेशर। और ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन ये ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसको वेपर फेस में मिक्स किया जाता है, किसके साथ, स्टीम के साथ, 900 डिग्री सी पर, फिर उसको इमीडिएटली कूल कर लिया जाता है। जब कूल करते हैं तो हायर हाइड्रोकार्बन टूट जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में। सो मैं प्रॉपरली एक बार इनको बोल देता हूँ, थर्मल क्रैकिंग क्या होता है, द ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटालिस्ट लाइक SiO2+ Al2O3, दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इंटू लोअर हाइड्रोकार्बन बाई मिक्सिंग द वेपर्स ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन विद द स्टीम एट 900 डिग्री सी एंड इमीजिएटली कूलिंग इट, दिस इज कॉल्ड स्टीम क्रैकिंग। अब बेटे इनकी इंपॉर्टेंस आज अटैच कर देनी है कि थर्मल क्रैकिंग जो होती है ये खासतौर पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करने के लिए हासिल की जाती है। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है ये फ्यूल की क्वालिटी या फ्यूल का ऑक्टेन नंबर हाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती है। और स्टीम क्रैकिंग इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सवाल ये उठता है कि वाई इज देयर अ नीड ऑफ क्रैकिंग, दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो, वाई इज देयर अ नीड ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी बच्चों, आपको याद होएगा ऐसे तमाम कंपोनेंट्स जो कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को कहते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं, ऑल दोज कंपोनेंट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, दे आर कॉल्ड पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। ठीक होगी बात, ये उन फ्रैक्शन में से एक फ्रैक्शन है गैसोलीन यानी पेट्रोल यानी फ्यूल। एक फ्रैक्शन कौन सी है, गैसोलीन यानी पेट्रोल, यानी गैसोलीन या पेट्रोल जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल होता है वो पूरी दुनिया की ज़रूरियात का सिर्फ 20% है। यानी पूरी दुनिया में अगर 100% पेट्रोल या गैसोलीन इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से 20% सिर्फ कहाँ से आता है, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। बाकी 80% कैसे आता है, 80% कैसे आता है, तो 80% बकिया हासिल करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज अ क्रैकिंग। सो वी कैन से द गैसोलीन और फ्यूल विच वी ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट, बट ड्यू टू इट्स हाई डिमांड, ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन की हाई डिमांड है ना, द सरप्लस अमाउंट ऑफ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन आर कन्वर्टेड इन टू द पेट्रोल और गैसोलीन बाय अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है बच्चों, वो वाला पेट्रोल या गैसोलीन जो हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं वो मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया की ज़रूरियात का सिर्फ 20% होता है। तो फिर क्या किया जाता है, जो पेट्रोलियम की लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन हैं उनको फिर क्रैकिंग के जरिए कन्वर्ट किया जाता है गैसोलीन के अंदर। और लेस डिज़ायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शन कौन सी हैं, उनमें कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल, और गैस ऑयल है।
ठीक हो की बात ये, ये क्रैकिंग। अच्छा क्रैकिंग जो है ना ऑक्टेन नंबर हाई करने के अलावा इट इज आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन मैनी बाई प्रोडक्ट्स विच आर यूज इन द इंडस्ट्रीज। वो बाई प्रोडक्ट कौन से हैं? इथेन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, फिर आगे इनको प्रोसेस करके आप एल्डिहाइड अल्कोहल्स भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जो आगे इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है, वैक्स इंडस्ट्री में मोम शोम जहाँ पर बनती है वहाँ पर इसका यूसेज है, और फार्मेसी के अंदर इसका यूसेज है, बहुत सी मेडिसिन बनाने में इसका यूसेज है, ठीक होगी बात ये। ले जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक हमारा मेजर रिफॉर्मिंग काम। अब ये रिफॉर्मिंग क्या होता है, लेकिन रिफॉर्मिंग के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम नॉकिंग को देखेंगे और ऑक्टेन नंबर को देखेंगे। ये नॉकिंग क्या होती है बेटे? वो वाला पेट्रोल या वो वाला गैसोलीन जो हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, ठीक है। जब भी इंजन इंटरनल कंबस्टन इंजन में कंबस्टन का अमल शुरू होता है, जलने का अमल शुरू होता है इंटरनल का, तो सबसे पहले क्या होता है? स्पार्क प्लग फायर होता है, प्लग लगा होता है वो पहले फायर होता है, स्पार्किंग होती है, उसके बाद कंबस्टन का अमल शुरू होता है। दिस इज़ अ रेगुलर रूटीन ऑफ द कंबस्टन इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन। दोबारा सुनिएगा कि जब भी कभी किसी इंजन में, गाड़ी के किसी इंजन में कंबस्टन का अमल शुरू होता है उसमें सबसे पहले स्पार्क प्लग फायर होता है, फिर उसके बाद कंबस्टन का अमल शुरू होता है। लेकिन बाद का अगर बुरी क्वालिटी का फ्यूल हमने इस्तेमाल किया हुआ है तो कंबस्टन का अमल स्पार्क प्लग फायर होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब कंबस्टन का अमल स्पार्क प्लग फायर होने से पहले ही शुरू हो जाए उस वक्त गंदी आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं, मेटालिक साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन मेटालिक साउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग। क्या कहते हैं? नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग कैन बी डिफाइन एज अ शार्प मेटालिक साउंड विच इज़ यूजली प्रोड्यूस व्हेन अ बैड और लो क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन। दैट मेटालिक साउंड इज कॉल्ड एज अ नॉकिंग। वो वाली मेटालिक साउंड जो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बुरी क्वालिटी का फ्यूल इंटरनल कंबस्टन इंजन में जलता है, उस मेटालिक साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉकिंग। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिएगा ये नॉकिंग की असल वजह क्या है? बर्निंग ऑफ अ बैड फ्यूल। अब बैड फ्यूल या गुड फ्यूल, ठीक है, पुअर फ्यूल या गुड फ्यूल, ये किससे डिसाइड होगा? ये बेटे फ्यूल की क्वालिटी जो है इट इज चेक्ड इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर। फ्यूल की क्वालिटी किससे चेक होती है? ऑक्टेन नंबर से। अब ऑक्टेन नंबर क्या बला है? अब फ्यूल की क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक करनी हो तो उसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंड। अब फ्यूल की क्वालिटी चेक करने के लिए पहले मकसद क्या था? एक स्टैंडर्ड बनाना। तो उस स्टैंडर्ड के तहत, उस स्टैंडर्ड के तहत आइसो ऑक्टेन जिसे 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन भी कहते हैं उसको पहले जलाया गया, तो वो टेस्ट इंजन के अंदर बड़ा स्मूथली बर्न हुआ, बड़ा स्मूथली बर्न हुआ एज अ फ्यूल 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन जिसको आइसोक्टेन भी कहते हैं। तो आर्बिट्रेरली बगैर किसी रीजन के जो 224 ट्राई मिथाइल है उसको कह दिया गया कि उसका ऑक्टेन नंबर कितना है? G100। इसके मध्य मुकाबल एन हेप्टेन को जब इंटरनल कंबस्टन इंजन में, टेस्ट इंजन में जलाया गया तो इसने बड़ी ज्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस की और आर्बिट्रेरली कह दिया गया कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है? 0। नॉकिंग से जज किया ना, 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन में मिनिमम नॉकिंग प्रोड्यूस की, तो एम ही इसका आर्बिट्रेरली इसको एज अ स्टैंडर्ड चुनकर इसका ऑक्टेन नंबर 100 कंसीडर कर लिया गया, और एन हेप्टेन ने मैक्सिमम नॉकिंग प्रोड्यूस की तो इसका ऑक्टेन नंबर 0 कंसीडर कर लिया गया। कीप इन माइंड हियर कि एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन, एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन ये नॉकिंग पे डिपेंड करती है। नॉकिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन क्या होगी? कम होगी। यानी एफिशिएंसी ऑफ इंजन और नॉकिंग में इनवर्स रिलेशन है। नॉकिंग जितनी कम होगी इंजन उतना एफिशिएंट रहेगा, लंबे अरसे तक रहेगा, और नॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी इंजन की एफिशिएंसी उतनी ही क्या हो जाएगी? कम होना शुरू। तो ये बड़ा नुकसानदेह है नॉकिंग जो है। तो नॉकिंग जो क्वालिटी फ्यूल की फर्दर ऑक्टेन नंबर में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमने चेक कर ली। अब देखा ये गया कि ऐसी क्या वजह है कि ये क्यों है? अब इसको आगे क्या बनाना था? स्टैंडर्ड। इसको चुन, इनके मिक्सचर को स्टैंडर्ड चुन लिया गया, इनके मिक्सचर को स्टैंडर्ड चुन लिया गया। मसलन
पहले जी आइसोक्टेन 70% मिक्स किया 30% एनहेप्टेन में, फिर उसकी इस मिक्सर को टेस्ट इंजन में डाला, यानी 70% आइसोक्टेन और 30% एनहेप्टेन का मिक्सचर लेकर इसको एज अ फ्यूल टेस्ट इंजन में डालकर माइलेज चेक की गई और नॉकिंग चेक की गई। तो नॉकिंग को ज़ाहिर करने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मैंने इसको एरर साइन से ज़ाहिर किया। फ़र्ज़ करें इन दोनों के मिलने से इतनी नॉकिंग प्रोड्यूस हुई, सपोज्ड है, तो नॉकिंग ये रिकॉर्ड कर ली गई, ये नॉकिंग क्या कर ली गई, रिकॉर्ड, और कह दिया गया कि जी इसका ऑक्टेन नंबर कितना है 70, जो कि सिर्फ किसकी परसेंटेज, आइस ऑक्टेन। फिर एक और मिक्सचर लिया गया जिसमें 80% आइस ऑक्टेन लिया गया, 20% एनहेप्टेन, इसको टेस्ट इंजन में डाल के चेक की गई नॉकिंग, तो इसका रिकॉर्ड ये निकला, इसकी नॉकिंग इतनी निकली और इसको ऑक्टेन नंबर कितना असाइन कर दिया गया, 80। फर्ज करें 92% क्या लिया गया, आइस ऑक्टेन, और 8% लिया गया एनहेप्टेन। इसको जब टेस्ट इंजन में डाल के चेक किया गया तो इसने नॉकिंग इतनी प्रोड्यूस की, इसने नॉकिंग इतनी प्रोड्यूस की, ये भी रिकॉर्ड कर ली गई, इसका ऑक्टेन नंबर 92। 60% आइसोक्टेन और 40% एनहेप्टेन को जब टेस्ट इंजन में डाल के चेक किया गया तो इसने नॉकिंग लेट करें इतनी प्रोड्यूस की, बहुत कम है, बुरी कॉल, तो ये इसका ऑक्टेन नंबर ये। अब इस तरह डिफरेंट कंपोजिशन, डिफरेंट परसेंटेज आइसोक्टेन और एनहेप्टेन की ले ले करना, उनकी नॉकिंग माइलेज फ्यूल की रिकॉर्ड कर ली गई, ठीक होगी बात ये। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब कोई नया फ्यूल आया है उसकी मुझको चेक करना है कि ऑक्टेन नंबर क्या है, क्वालिटी क्या है, तो क्या करना है, उस नए फ्यूल को भी आपने क्या करना है, टेस्ट इंजन में डालना है। टेस्ट इंजन में डालकर उसकी जो नॉकिंग आए, जो माइलेज आए, उसे रिकॉर्ड कर लेना। जब उसकी नॉकिंग जो निकली है उसको फिर हमारे जो स्टैंडर्ड हमने रिकॉर्ड किया उसे कंपेयर कर, फर्ज करें उसकी नॉकिंग निकली है इतनी, तो बच्चों जरा मुझे बताओ कि उसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि आपके रिकॉर्ड में नॉकिंग इतनी के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 80। आप कहेंगे 80। अब मुमकिन है कि उस फ्यूल में आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर हो, और मुमकिन है कि उस फ्यूल में आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर ना हो, बट चूंकि उसकी नॉकिंग इस नॉकिंग से मैच कर गई है जो हमारे रिकॉर्ड में है, जो हमारा स्टैंडर्ड है, तो उसको आपने 80 ही कहना है ऑक्टेन।